यदि आप थोड़े से बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम या उल्टी से परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर के पास जाने पर भी आपको सही दवा नहीं मिल पाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि डॉक्टर ने जो दवा दी है वो काम करेगा नहीं करेगा, बहुत सी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, तो आज मैं उन्हीं सब बातों का समाधान लेकर के आया हूँ। आज आप सभी को इंट्रोड्यूस कराऊंगा OTC मेडिसिन से, जिसको ओवर द काउंटर मेडिसिन या नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोला जाता है, मतलब ऐसी दवाइयाँ जिसको आप डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हो और आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि कौन सी दवा आप किस डिजीज़ में, कौन सी बीमारी में आप खा सकते हो और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको आप मेडिकल स्टोर से खरीद करके यूज़ में भी ले सकते हो। तो आप सभी हो एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे और मैं हूँ भास्कर सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा पे। तो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पे बने रहें, लाइक, कमेंट और शेयर देते रहें। जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ कि आज का जो टॉपिक है OTC मेडिसिन का है, जिसको ओवर द काउंटर मेडिसिन बोला जाता है या इसको नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी बोलते हैं, जिसको आप कभी भी ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकते हो। तो बारी बारी से मैं कुछ जनरल मेडिसिन को आप सभी से इंट्रोड्यूस करा दूंगा, क्या नाम से वो मेडिकल स्टोर पे मिलेगा, किस बीमारी में वो काम करेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं OTC मेडिसिन के जुड़ी जो ड्रग है, जो पेन किलर जिसको बोला जाता है, जो शरीर दर्द के लिए है। तो इसमें कई मेडिसिन है जिसको मैं आपको बता दूं, जिसमें आइबुप्रोफेन है, आइबुप्रोफेन जिसको बोलते हैं, फिर डेक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है, पैरासीटामोल है। तो अगर शरीर में दर्द है तो OTC मेडिसिन की आप ये आइबुप्रोफेन, डेक्लोफेन, एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल आप दुकान से लेकर के यूज़ में ले सकते हैं। अगर दूसरी दवा के बारे में बोलें तो ये है फीवर के लिए दवा, पहली दवा जो थी शरीर में दर्द के लिए थी और दूसरी दवा फीवर के लिए है। फीवर में आप पैरासीटामोल ले सकते हो, आइब्रोफेन ले सकते हैं, आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, टेलिनोल ले सकते हैं। और एक चीज़ और कि ये जो भी दवाई बताई गई है, ये बच्चों का सिरप भी आता है इसी नाम से, आप उसको ले सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है हेडेक के लिए है, सर दर्द के लिए, तो सर दर्द में आप एस्पिरिन भी ले सकते हैं, डिस्प्रिन भी आता है इसी नाम का, एस्पिरिन जो होता है डिस्प्रिन नाम से मिलता है, एस्पिरिन इसका जेनरिक है। आइबुप्रोफेन है, फिर पैरासीटामोल है, फिगर में आप दे सकते हैं, आयोडेक्स लगा हुआ, आयोडेक्स भी बाम जो है सिर दर्द में यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है नौसिया में या वोमिटिंग में दिया जाता है, मतलब कि जी मिचलाना या उल्टी में है, तो ओंडासेट्रोन है, डोमपेरिडोन है, तो ये दोनों दवा आप उल्टी या जी मिचलाना में आप यूज में ले सकते हो। फिर है गैस्ट्रिक और एसिडिटी में, अगर पेट में गैस बन रहा है, एसिड बन रही है, तो आप ये दवा ले सकते हैं जिसमें रेनिटिडीन है, पेंट्राप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, रेबेप्राजोल है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन में, अगर पेट में कब्ज है, पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट में दिक्कत है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, तो उसमें आप बाइसेकोडिल ले सकते हैं, बिसाकोडिल। और एक है सेलियम हस्क, जिसको इस इसबगोल की भूसी भी कहा जाता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसी तरह से नेक्स्ट अगर देखें तो डायरिया और लूज मोशन में है, जैसे दस्त है या लूज मोशन है, तो उसमें आप टेबलेट जो होता है लोप्रामाइड आता है या लैक्टिक एसिड बेसिलस जो जेनरिक है वो आता है। और आपको पहले से पता है अगर दस्त होता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें लैक्टिक एसिड बेसिलस भी आप ले सकते हो। उसी तरह से नेक्स्ट जो है अगर कफ कोल्ड हो या नाक बह रही हो या एलर्जी है, तो उसमें आप सिंपली आप टैबलेट में सिट्रीजिन या एविल ले सकते हैं, तो आप मेडिकल स्टोर से जा कर के यह दवा ले सकते हो। फिर उसी तरह से अगर कोलिक पेन देखें, जिसको पेट दर्द भी कहा जाता है, तो इसमें डाइसाइक्लोमाइन है, आप इसका यूज कर सकते हो। उसी तरह से कफ है, तो कफ भी दो तरह की होती है, एक ड्राई कफ होती है, एक वेट कफ होती है। तो ड्राई कफ में आप सिर्फ एस्कोरिल डी ले सकते हैं और वेट कफ में आप सिर्फ ग्रिलिक्टस बीएम ले सकते हैं।
उसी तरह से अगर बर्न है, जल गया है, तो जलने में आप क्रीम लगा सकते हो, बर्नऑल लगा सकते हैं, इसी से मिलती जुलती बहुत सारी क्रीम है जो आप लेकर के लगा सकते हो। अगर इंजरी है, चोट लग गई है, तो एंटीसेप्टिक में आप पोविडोन आयोडीन का आता है जो बेटाडीन नाम से मार्केट में मिलता है, आप इसको लगा करके बैंडेज कर सकते हैं, या सेफ्रोमाइसिन है आप लगा सकते हो।